दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कांठापुरा, जो कि एक नोवेल है जिसको लिखा था इंडियन ऑथर राजा राव ने। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 1929 में इन्होंने ये नोवेल लिखी थी। फर्स्ट नोवेल थी राजा राव की ये। 1929 में इसको लिखा गया चेन्नई मद्रास में और 1938 में इसको पब्लिश करवाया गया। इसकी सेटिंग 1930 के आसपास एक इंडिया में साउथ वेस्ट की तरफ एक छोटा सा गांव है कांठापुरा, वहाँ पे रखी गई है और फर्स्ट पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है। दोस्तों ये सब हो गया इसके की फैक्ट्स। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी थीम क्या रखी है राजा राव ने। इस नोवेल की थीम कुछ इस तरह से है कि कांठापुरा के अंदर बहुत सारी कास्ट हैं, तो राजा राव कहते हैं कि हम सबको एक होकर के, ये सारी कास्ट जो हैं सबको एक होकर के ब्रिटिशों के खिलाफ, गांधी जी के साथ मिलकर के ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि गांधी जी खुद मानते थे कि सबको सोशल जस्टिस का अधिकार है। दोस्तों ये सब हो गई कुछ इंट्रोडक्शन इस नोवेल का। अब हम लोग इसके प्लॉट पर नजर डालते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों ये कहानी तब की है जब महात्मा गांधी का नेशनलिस्ट मूवमेंट पूरे देश में फैल रहा था और इस छोटे से गांव कांठापुरा में भी। इस कहानी को एक बूढ़ी ब्राह्मण औरत अचक्का सुनाती है। इस औरत को गांव में सबके बारे में पता है। ये बताती है कि कैसे इसने और इसके साथ की औरतों ने सर्वाइव किया था। साथ की सारी औरतें कांठापुरा गांव की थी। ये औरत फ्लैशबैक में जाकर ट्रेडिशनली इस कहानी को सुनाती है, इस गांव की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के भगवानों के बारे में। कांठापुरा साउथ वेस्ट में पश्चिमी घाटों की तरफ माउंटेन रेंज में बना हुआ एक छोटा सा गांव है। माना जाता है इस गांव की एक देवी है केंजम्मा, वो इस गांव की रक्षा करती है। बहुत लंबे टाइम से इस देवी ने इस गांव को और इस गांव में रहने वाले लोगों को राक्षसों और असुरों से प्रोटेक्ट किया था। इस गांव में अलग अलग कास्ट हैं और सबसे इन सब में सबसे वेल एजुकेटेड ब्राह्मण हैं। इन्हीं ब्राह्मणों में से एक बच्चा जिसका नाम था मूर्ति, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और जाकर के महात्मा गांधी का फॉलोअर बन गया। और तो और इस मूर्ति ने एक पैसे वाली फैमिली में शादी करने से भी मना कर दिया। फिर अचक्का इस गांव में कुम्हार और बुनकर जाति के बारे में बताती है। ये लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर की तरफ झुके हुए हैं। सबसे लास्ट में एंड में जाकर के बताती है परिहास के बारे में, जो टूटी फूटी झोंपड़ियों में रहते हैं, मतलब अपने गाँव से बिल्कुल साइड में रहते हैं क्योंकि ये छोटी जाति के लोग हैं। और इस गांव में एक लंगोटधारी ब्राह्मण है जिसका नाम है भट्टा और दूसरा है रंगे गौड़ा। ये दो बहुत ही पावरफुल आदमी हैं इस गांव के। तो एक दिन इस मूर्ति को शिवलिंग मिला बैकयार्ड में से, तो इसने क्या किया, उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। सारे के सारे ब्राह्मण आकर के उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। फिर थोड़े समय बाद इस मूर्ति ने क्या किया, गाँव में सबसे चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि एक हरी कथा करवाएंगे जय रामाचार नाम के एक आदमी से। तो ये हरी कथा करने वाला आदमी है और इसी हरी कथा में ये लोग बात करेंगे कि महात्मा गांधी किस तरह से भारत को ब्रिटिशों से आज़ाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं। मतलब ये हरी कथा के नाम पर उसमें पॉलिटिकल बातें भी करेंगे। अब दोस्तों इस गांव में एक मुस्लिम पुलिस वाला आया जिसका नाम था बड़े खान। इसको रहने के लिए यहाँ पर किसी ने भी जगह नहीं दी अब ये साहिब के पास गया। साहिब कौन? साहिब दोस्तों एक कॉफ़ी स्टेट चलाने वाला लालची ऑनर था, उसने इसको रहने के लिए जगह दे दी। अब दोस्तों ये मूर्ति गांव वालों को समझा रहा था कि अपना कपड़ा खादी का खुद बनाया करो, विदेशियों का माल मत लो, हमारा देश इससे घाटे में जा रहा है, गरीबी में जा रहा है, महात्मा गांधी को फॉलो करो। लेकिन दोस्तों ये लंगोटधारी ब्राह्मण भट्टा ये गांधी और इसके फॉलोवर्स को घिनौना मानता था, क्योंकि इसका बिजनेस ऐसे ही चलता था, गांव वालों को दबा कर रखता था कर्जे के बोझ तले। तो इसका मानना ये था कि फार्मर्स को कभी भी मॉडर्न नहीं बनना चाहिए और कास्ट सिस्टम तो कभी कतई नहीं जाना चाहिए। तो इसने सोचा कि अगर ये मूर्ति गरीब किसानों को इकट्ठा कर रहा है तो ये भी एक ब्राह्मणों की पार्टी बनाएगा। मूर्ति खुद ब्राह्मण होकर के फार्मर्स के बीच में गांधीवाद फैला रहा है, तो हम क्यों ना ब्राह्मणों की अपनी पार्टी बनाएं। दोस्तों इस भट्टा के साथ में खुद मंदिर का पुजारी, मूर्ति की माँ, पत्नी, इन सब ने सपोर्ट किया। बताओ मूर्ति के खुद के घर वाले इसके विरोधी हो गए। तो अब मूर्ति ने तो तय कर लिया था कि ये अपनी लाइफ को महात्मा गांधी के काम में समर्पित करेगा। ऐसे में इस गांव में एक विधवा थी पैसे वाली, बहुत ही पैसे वाली विधवा, उसने मूर्ति को सपोर्ट किया। इस विधवा का नाम था रंगम्मा। रंगम्मा अपने पति के बड़े से घर में रह रही थी। तो अब सारे ब्राह्मण मूर्ति के खिलाफ हो गए थे। मैसूर से एक स्वामी आया था जो ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहा था कि कौन है ये जो हमारे धर्म को गंदा कर रहा है।
दूसरी जातियों के साथ बात करके उनको हमारे साथ मिला करके कौन है ये जो हमारे धर्म को गंदा कर रहा है। तो मूर्ति की माँ ये देख करके बौखला गई कि सबसे पहला नाम इसी के बेटे का आएगा। लेकिन मूर्ति स्वामी की बिल्कुल नहीं माना, वो अपने काम पर अड़ा रहा। स्वामी ने इनकी पूरी फैमिली को समाज से बाहर फेंक दिया क्योंकि मूर्ति लाशें उठाने जैसा काम कर रहा था। इसके बाद नदी के किनारे मूर्ति की माँ की डेथ हो गई, जिसको सुनने के बाद मूर्ति को बहुत झटका लगा। इसके बाद ये उस विधवा रंगम्मा के घर चला गया। अब दोस्तों, ऐसे में गांव के कुलियों को भी एजुकेट किया जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा था कि गांव में इतनी गरीबी क्यों है, क्योंकि ये लोग तुमसे कमर तोड़ मेहनत करवाते हैं और तुमको बदले में कुछ भी नहीं देते। ये दोस्तों साहिब के कॉफ़ी स्टेट पर ये सब बातें हो रही थी। और आने वाले 10 सालों तक ये कुली अपना काम भी नहीं छोड़ सकते थे, मतलब इन्हें काम करते ही रहना होगा। जो कुछ भी कमाते थे आधे से ज़्यादा इनका शराब में चला जाता था। अब दोस्तों, इस मूर्ति ने क्या किया, एक गांधीवादी ब्राह्मण क्लर्क वासुदेव के साथ मिलकर के इन कुलियों को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया, ताकि ये कुली भी आकर के इनके साथ आंदोलन में जुड़ें। लेकिन यहाँ पे ये पुलिस वाला बड़े खान आ गया और इसने इनको रोक दिया। ये बड़े खान ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि गाँव में एक भी बंदे ने, एक भी ब्राह्मण ने इसको रहने के लिए घर नहीं दिया, इसलिए ये गुस्सा निकाल रहा था, ये पुलिस वाला बड़े खान। लेकिन इनमें से एक कुली रचना ने हिम्मत दिखाई और इनको ज्वाइन कर लिया। अब इसी दौरान हलचल हो गई, मतलब थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ। कुछ कुली महिलाओं ने मिल करके इस बड़े खान की दाढ़ी को पकड़ लिया, थोड़ी सी हिंसा हो गई। तो मूर्ति ने इस सब की जिम्मेदारी खुद पर ली, क्योंकि वो महात्मा गांधी को मानता था, कोई भी हिंसा नहीं करना चाहता था, उसने कोई भी हिंसा ना करने की कसम खा रखी थी। तो उसने 3 दिनों का उपवास किया, क्योंकि इसकी वजह से हिंसा हुई थी, और गांव के मंदिर में आकर के ध्यान लगाया। यहाँ पे मंदिर में रत्ना नाम की एक लड़की ने इसकी केयर की। अब दोस्तों, इस मूर्ति ने अपने प्लान में इस पटेल को मिला लिया था, ये पटेल इसके साथ में आ गया था। इन दोनों ने मिलकर के गांव में एक छोटी सी कांग्रेस आयोजित की, मतलब कांग्रेस, मिनी कांग्रेस बनाई, और ये लोग इस कांग्रेस को बड़ी कांग्रेस जो देश में काम कर रही है उसकी लोकल ब्रांच मानते थे। अब दोस्तों, ये मूर्ति क्या करता है, इस कुली रचना के घर जाता है, लेकिन इसके घर के अंदर जाने के लिए सोचता है। और जब रचना की वाइफ इसको दूध पीने के लिए देती है तो उसके लिए भी ये सोचता है, क्योंकि ये एक ब्राह्मण था और कभी किसी छोटी जाति वाले के इतना क्लोज नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी ये उस घर में भी गया और उसने दूध भी पिया, और परीहा औरतों के जनसमूह को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप लोग अपना कपड़ा खुद बनाओ। ये सब भाषण देने के बाद जब ये घर आया मूर्ति, तो इसने क्या किया, इसने गंगा जल से खुद को शुद्ध किया। अब दोस्तों, दिवाली के दिन क्या होता है, इस रंगम्मा के घर पे पुलिस इस मूर्ति को पकड़ने आई, तो इसके पीछे पीछे रचन्ना और सारे गांधीवादी पुलिस पर टूट पड़े गांधी जी की जय बोलते हुए। तो पुलिस ने इनको भी पीटा और अपने साथ ले गई, 17 जनों को अपने साथ ले गई। तो अब जेल में इसको रखा गया था मूर्ति को, तो इसकी हेल्प करने के लिए इस रंगम्मा ने एक एडवोकेट शंकर को बुलाया। एडवोकेट शंकर कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी था, तो इसने, मूर्ति ने मना कर दिया कि मुझे किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो एडवोकेट शंकर ने इसको समझाया कि इस आंदोलन को ज़िंदा रखने के लिए तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मूर्ति को 3 महीने की जेल हो ही गई। तो अब 3 महीने तक जब मूर्ति जेल में था, तो इस गाँव के लोगों ने ही, स्पेशली औरतों ने इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाया। लेकिन अब जब फाइनली 3 महीने की सज़ा ख़त्म करके मूर्ति वापस घर लौटा, तो वापस आते ही इसने आंदोलन की कमान वापस संभाल ली। इसके वही मंत्र थे कि सब खादी बुनोगे, झूठ नहीं बोलोगे, हिंसा नहीं करोगे, वही गांधी जी, ये अपने गांव का गांधी बना हुआ था। अब दोस्तों, इस वक्त वो टाइम चल रहा था जब लोग गांधी जी को फॉलो करते हुए नमक बना रहे थे, तभी एक खबर आई कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है। अब दोस्तों, 2 दिन बाद क्या होता है, 139 कंठापुरा के गाँव वाले सब मिलकर के उस जगह पर जाते हैं जहां पर शराब बिकती है, यानी कि कुलियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान था इस शराब का। तो वहां पे जाकर के ये लोग चढ़ चढ़ के वहां पे तोड़ा फोड़ी करने लगे। पुलिस ने लाठियों से इन गांव वालों को मारा और अरेस्ट कर लिया, और बाकी प्रोटेस्ट करने वालों को ट्रक में भर लिया। लेकिन दोस्तों, ये आंदोलन अब बढ़ता ही जा रहा था, कंठापुरा के पास के गाँव संटापुरा से भी लोग आ आ के इनको ज्वाइन करने लगे। इससे गांव वालों को और हिम्मत मिलती है, ये अपना प्रोटेस्ट दूसरी बार भी शुरू कर देते हैं कि शराब का अड्डा तो तोड़कर ही रहेंगे।
तो पुलिस को और गुस्सा आता है। वो रंगम्मा, रत्ना और मूर्ति इन तीनों को सीरियसली घायल कर देती है। अब दोस्तों ऐसे में एक और चीज़ होती है, ये कुली भी आकर के इन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो उस दिन उस एरिया में 24 शराब के अड्डे बंद करवा दिए गए, क्योंकि शराब ही एकमात्र कारण थी जो इस आंदोलन में रुकावट बन रही थी। वहीं कुछ ब्राह्मण अभी भी खुद इस कंठापुरा गांव में कुछ ब्राह्मण अभी भी इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। अब ऐसे में पुलिस वालों ने क्या किया, इस गांव की चारों तरफ से घेरेबंदी कर दी। और पुलिस का प्लान ये था कि जो जो लोग इस आंदोलन के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, यानी कि इनके लीडर्स, उनको सबसे पहले पकड़ लिया जाए, यानी कि मूर्ति, रंगम्मा, इन दोनों को पकड़ा जाए सबसे पहले। तो आधी रात में इनको पकड़ा गया और महिलाओं पर हमला कर दिया गया। एक ऑफिसर ने तो, ये रत्ना थी ना, इसका रेप भी कर दिया। अब जब लीडर्स को पकड़ लिया गया है तो अब औरतों ने, ये अचक्का और बाकी औरतों ने आंदोलन की बागडोर संभाली और इस भट्टा का घर जला दिया गया। अब दोस्तों 3 दिन बाद गांव वालों ने चौथी बार पुलिस का प्रोटेस्ट किया, पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस टाइम पर गवर्नमेंट गांव वालों की ज़मीनें बेचने में लगी हुई थी, तो यूरोप के लोग कंठापुरा में आकर के गांव वालों की ज़मीनें खरीदना शुरू कर रहे थे। अब ऐसे में अचक्का और दूसरी औरतों का विश्वास टूट रहा था कि क्या नॉन वायलेंस इनको जीत दिला पाएगा। तभी प्रोटेस्ट करने वालों की भीड़ में से एक बंदे ने अचानक गांधीवादी झंडा लहरा दिया। अब झंडा लहराना एक बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पर, तो पुलिस ने क्या किया, इन प्रोटेस्ट करने वालों पर गोलियां चला दी। जितने भी लोग थे सब पर गोलियां चला दी, लेकिन अभी तक इन लोगों ने हिंसा नहीं की थी। महिलाओं ने खुद को गन्ने के खेतों में छुपाना शुरू कर दिया, लेकिन उनको भी पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया गया। लोगों ने भागना शुरू किया, लेकिन कंठापुरा से भागते हुए लोगों ने क्या किया, जाते जाते अपने गांव को ये लोग जला के चले गए। इस कहानी की एंड में खुद गांव वालों ने ही अपने गांव कंठापुरा को जला दिया। इसके बाद पहाड़ों के पास जंगलों में एक दूसरे गांव काशीपुरा में इन लोगों को खुले दिल से वेलकम किया, पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा कहकर। अचक्का एंड में बताती है कि लोगों ने कंठापुरा के विनाश के बाद में अपनी अपनी जान बचाई। उसके बाद मूर्ति को भी जेल से छोड़ दिया गया, मूर्ति भी जेल से छूट गया, लेकिन जेल से निकलने के बाद उसने गांधी जी को फॉलो करना बंद कर दिया। और उसका मानना था कि गांधी जी ब्रिटिशों के सामने कुछ ज़्यादा ही झुक रहे थे। उसने इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करना शुरू कर दिया। रंगम्मा अभी भी जेल में थी, जबकि रंगे गौड़ा वापस से कंठापुरा गया और इसने वापस आकर के अचक्का को बताया कि उन लोगों के गांव और उन लोगों की ज़मीनें, यानी कि इन गांव वालों की ज़मीनें, इन लोगों के गांव सब बॉम्बे के लोगों को बेच दिए गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।